जी दोस्तों, जो आपने टाइटल में और थंबनेल में देखा है वही करेंगे। दोस्तों हम लोग मॉलिशियस वायरस को कंप्यूटर से रिमूव करेंगे। हमने कोई भी एंटीवायरस इंस्टॉल नहीं करना। विंडोज़ के डिफ़ॉल्ट एक एंटीवायरस होता है, ऑप्शन होता है, उसके ज़रिए ये कर सकते हैं। ये बहुत ही काबिल एतबार होता है, ये हम 100% ट्रस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आप लोगों ने करना क्या है, तो दोस्तों अगर आपको शक है कि आपकी विंडोज़ में वायरस मौजूद है, मॉलिशियस वायरस, तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों ने रन कमांड पर जाना है। रन कमांड पर जाने के लिए विंडोज़ प्रेस आर प्रेस करना है। यहाँ पर आपने एक कोड टाइप करना है, MRT ओके करना है। ओके करने के बाद प्यारे दोस्तों, तो थोड़ी देर बाद ऑप्शन आता है इसका, यहाँ पर लिखा आएगा माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ मॉलिशियस सॉफ्टवेयर रिमूवल टूल येस और नो। आप येस कर देना, मैं येस कर देता हूँ। येस करने के थोड़ी देर बाद स्क्रीन पे एक नई विंडोज़ अपेयर होगी। शुरू करने से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, अगर आपका लो एंड PC है तो प्लीज़ अपने फजूल सॉफ्टवेयर को बंद कर दें इसको यूज़ करने से पहले, क्योंकि आपका सिस्टम थक सकता है। तो मैं खाली कैमटे से यूज़ कर रहा हूँ, मेरा अच्छा PC है, उसके बावजूद भी मैं कैमटे से यूज़ कर रहा हूँ और बस कुछ भी नहीं। अब मैं नेक्स्ट पे ओके करूँगा। नेक्स्ट पे ओके करने के बाद दोस्तों यहाँ पे 3 ऑप्शन मिलते हैं, क्विक स्कैन, फुल स्कैन और कस्टम स्कैन। मैं क्विक स्कैन एक दफ़ा कर चुका हूँ, अगेन मैं बताता हूँ किस तरह होता है। क्विक स्कैन करके नेक्स्ट कर देना। नेक्स्ट करोगे तो आपका क्विक स्कैन चालू हो जाएगा। अब ये क्विक स्कैन चालू होने के बाद क्या स्क्रीन आती है मैं आपको वो बता देता हूँ, जब तक के लिए वीडियोस पॉज कर देता हूँ। ओके दोस्तों, तो दोस्तों ये पट्टी चलने के बाद, ये कम्प्लीट होने के बाद ये दिखा है नो मॉलिशियस सॉफ्टवेयर वाज डिटेक्टेड। तो दोस्तों मेरे कंप्यूटर में कोई मॉलिशियस सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन या कोई फाइल नहीं है, तो मैं फिनिश करके काम ख़त्म कर लेता हूँ। तो दोस्तों इस तरह मैंने आपको सिखाया। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, और अच्छी वीडियोस आने वाली हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।